Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन कृष्ण सर्वे संतु निराया सर्वे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाव बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्ति योग बाबा गए अर्जुन एवं संता एवं पाप परिवार से ये समान सबसे शांति योग भक्ति में जगत में
बैठते बच्चे तो भगवते वासुदेवाय प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय हरे मुरारे हे नाथ नारा हे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा हे वासुदेव महाराज
आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारा दिल वासुदेव। महाराज जी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारा दिल वासुदेव। कृष्ण रतियास्तो अज धर्मे मतियास्तो। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन का एकाग्र जोर दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम हर अध्याय के अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत कल्याणकारी श्लोक पर विचार कर रही हैं। हर अध्याय में अपने महापुरुषों ने एक श्लोक बहुत ही लोकप्रिय और दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी माना है, उसी पर प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूँ। बस आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, जब आप दूसरा प्रसाद लेंगे ये ज्ञान का प्रसाद भी जरूर लेते जाना चाहिए। अब हम क्रम अनुसार पांचवें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। पांचवें अध्याय में यह 22वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, आपके लबों में तो चढ़ गया है, भगवान करे आपके अंतःकरण दैनिक जीवन में भी उतर आए। ये बहुत प्रसिद्ध है, बच्चे बच्चे को याद है, पर भगवान करे ये उतर आए। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो आकर में दुख, जो सुख का भी आगाज अंजाम है तो दाना कहा उससे कुछ काम है। और जरा इसकी चटनी बनाए और धीरे धीरे करके इसे मन में रख ले। ताल्लुक से पैदा, अब ये यही संस्पष्ट होगा दुख योनि एवत है। पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक बड़ा इनकलाबी, बहुत ही क्रांतिकारी मेरे सजनों, दैनिक जीवन में काम आने वाला, और यही से इंसान से भूल हो रही है, बड़ी भारी भयानक भूल यानी ब्लंडर करता जा रहा है। ध्यान देना, संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं भगवान ने बनाए, इनको पहले समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारा सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक संपर्क रहता है। लेना देना, उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार करना, आचार करना इन्हीं के साथ होता है, राग और द्वेष करना इन्हीं के साथ होता है। सुनो गृहस्थाश्रम में रहने वाले और कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी देवी सुनिए, आप कल्याण चाहती है ना, और आपको जरूरत नहीं सत्संग की, स्नान करके इतनी कुर्बानी करके इतनी दूरी आप कभी ना आते। तो कल्याण करने के तरीके भगवान ने बहुत अच्छे बनाए हैं, उनमें ये एक तरीका बड़े शानदार। पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक जान दो और अपने मन में रख के अपना कल्याण कर जाओ। हम सब ने इस जहान को छोड़ना ही गए, कितना अच्छा तरीका खुशी से रहने का। क्या कहा मेरे मालिक ने कि जिनके साथ आपको संपर्क पड़े, माता जी है, पिता जी है, बहन भाई है, घर के ये खून के रिश्ते हैं, गली वाले झूठे मूठे आंटी फांटी कलांटी के बातें, कितने हमने रिश्ते अपने कामना पूरी करने के लिए या अपने संसार चलाने के लिए बना रखे हैं, बहुत कुछ बना लेती है, माँ की ओर से आते हैं, पिताजी की ओर से आते हैं, लेकिन भगवान जी एक बात कह रहे हैं, इनसे खुशी की आशा ना करना है। सुनो मेरी भोली भाली देवियों, आप बड़ी बुरी तरह मार खाते हैं माया की, बड़ी बुरी तरह आप फटकारी जाती हो मेरी देवियों, आपका मन नरम है ना, आप भी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, क्या इनके हम कर्तव्य करें, माँ जी के प्रति कर्तव्य पूरा करें, आप बेटी हैं या पति हैं या जो उनसे भी रिश्ता है निभाइए, किस रूप में निभाना होता है, अपना कर्तव्य पूरा करना, किस रूप में जो उनको जरूरत है पूरी करो, उनकी सुख दुख में काम आ जाओ, बस ध्यान दे लो मेरा धर्म जी आपको बताना समझाना। इंसान इसी जगह से मार खाई दे और नरक में गिरा पड़ा है, इनके तो हमने कर्तव्य पूरे करने हैं, सुख में साथ देना दुख में साथ देना है, इनको कमी है तो पूरी करने की पूरी चेष्टा करेंगे, शाबाश। लेकिन हम तो इनको खुशी लेने लग जाती हैं, भगवान कहते यही जीव ने गलती कर ली, क्यों बाबा इनसे खुशी नहीं मिलती, मिलती है अगर चाह जा तो, लेकिन वो रहेगी नहीं। बात सुना बड़ी गौर से, फिर बात करना किसी और से, खुशी तो मिलती है वो भी अगर चाहना है तो, लेकिन वो रहेगी नहीं, दो दिन दो हफ्ते या दो महीने बस, क्योंकि नियम है भगवान का लाभ क्या उपयोगिता हरास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करो उसकी खुशी नहीं रहती, ये नियम है। तो भगवान कहते अगर रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं, हाहाकार नहीं मचानी, हाँ तो इनके कर्तव्य पूरे कर दो,
उनको मालूम ही नहीं होगा, चूंकि उनको तो सुख चाहिए। सुख देने की आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मन में उम्मीदें रखेंगे मैं इसे सुख पाऊ, मेरा इनके कारण से भविष्य बड़ा उज्जवल होगा, नहीं। देखो भगवान की जोरदार चेतावनी, तल्लुक से पैदा जो होता है सुख, अगर संपर्क से आप सुख पा रहे हैं, कंटेक्ट से सुख पा रहे हैं, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जो प्राणी आज आपके अनुकूल है कल नहीं अनुकूल होगा। अच्छा हाँ, ये प्रकृति का नियम है, जो आपके आज फेवरेबल है कल फेवरेबल नहीं रह सकते, उनमें फर्क आ जाएगा, फिर आपका मन दुखेगा। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, आपको क्या हो गया, आपको कुत्ता सूंघ गया, क्या हो गया, आपको बिल्ला सूंघ गया। पहले की तरह आप नहीं, प्रकृति का नियम ही यही है कि पहले की तरह हमेशा कोई नहीं रह सकता। बचपन से सुनते आए, लेकिन हमने पक्का ही नहीं किया, सब दिन होतना एक समान, हमने मन में बिठाया ही नहीं। चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, परमात्मा का ये नियम है, इसमें मैं और आप जरा भर भी कोई दखल नहीं दे सकते। वाह, चंद्रमा जैसे इतने महान देवता कुछ दिन के बाद हरास में चले जाती हैं। है हाँ, ये प्रकृति का नियम, चंद्रमा और सूरज जैसे को भी ग्रहण लग जाती है। आह, तो अपने मन को एकांत में बैठ के समझाइए मेरी देवियों, मेरे सजनों, कि अगर इनसे हमने खुशी लेने की कोशिश की तो रोना पड़ेगा। देखो भगवान जोरदार चेतावनी दे रहे हैं, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। अगर ये बचपन से बात हमें याद करवा दी जाती, नहीं नहीं हमारे मन में बिठा दी जाती, आज हम स्वर्ग के झूठे ले रहे होते, आज हम स्वर्ग के पालने में अपने आप को लेटा हुआ और आनंद लेता हुआ देखते। यदि हम शुरू से पता लगता, अब भी कदर कर लो, खासकर जो भरे जोबन में आए हुए हैं, आपने जिंदगी का एक लंबा सफर पूरा करना है, दो इनको सुख, लो इनसे सुख। हमारे प्रभु कह रही है एक दूसरे को करो साजोमन, सुख दो सुख लो, लेकिन ये ना उम्मीद रखो मैं इनसे सुख पाता ही रहूंगा, कि मैं इनसे कंटेक्ट इसलिए रखा कि सुख पाऊंगा, नहीं, क्योंकि ये चीजें टेम्परेरी है, इनके इरादे जो है अस्थाई, इनके मन टेम्परेरी, विचार यानी, और इनके कर्म भी ऐसे वैसे ही है। परमात्मा ने ये प्राणी पदार्थ बनाई ऐसे ही है। सुनो ओ नेक जीवो, वह गर्मा गर्म हो मेरे प्रभु जी की चेतावनी, अगर सचमुच आप परलोक बनाना चाहते हैं, मेरी देवियां परलोक बनाने की सचमुच उत्सुक है, तो सुनो भगवान की चेतावनी, इससे हमारा बिखरा हुआ मन एक जगह आ जाएगा। आगे देखिए कितनी अच्छी दलील दे रही है, क्या जो सुख का भी आगाज वन जाम गए, दाना कहा इससे कुछ काम, जो सुख आज आपने लिया जिससे, हाँ चंद्रमा जी खत्म हो जाएगा, जिससे सूर्य उदय हुआ जरूर अस्त होगा। ये परमात्मा का नियम है, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता, चढ़ता सूरज धीरे 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 ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, इससे चढ़ता सुख धीरे धीरे ढल, हर एक पे लागू कर लो, चढ़ता सुख धीरे धीरे चढ़ता गए ढल जाएगा, आएगा आएगा आएगा, इस तरह आपके शरीर प्यार थोड़े दिन के बाद फिर दुख में बदल जाएंगे। ये परमात्मा का अटल नियम है और हम कल्याण कामी है, इसलिए अपना मन इनसे खींच लेते हैं, अपना मन इनसे हटा लेते हैं कि इनसे सताई सुख मिलना ही नहीं। और सुनो नेक जीवो, सवेरे से शाम तक रोते पिटते अप डाउन होते हुए हमारे जिंदगी के अनमोल दिन गुजर जाते हैं, और अब हमारे मन में भगवान ने लगन लगा दी है कि हम अपना कल्याण करें, इसे खाने पीने रोने धोने और उतार चढ़ाव में न रह जाएं, कुछ आगे निकल चले। जिसने सृष्टि बनाई है और जो हमारे शरीर को शक्ति दे के चलाया जा रहा है, उसके नजदीक पहुंचने में हमारा कल्याण है, ये कह रही है गीता, ये अनुभवी महापुरुष कह गए, और यही गीता संपूर्ण भी यही होती है, इसी जगह होती है। ना भूलना, ना भूलना मेरी माता मेरी बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, कौन सी बात अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा। हम मन में बसाते रहे अपनी माँ को, माँ को मन में नहीं बसाना था, माँ के साथ सेवा करनी थी, मन में बसाने योग केवल भगवान जी है। ओ भोले भाले नेक जीवो, ओ मेरे सजनों, सचमुच मेरी देवियां खमीरी रोटी है, रात आटा हो, गर्मी का मौसम हो तो रोटी आटा खमीरी हो जाता है ना, खाओ तो उसमें से विशेष प्रकार की गंध भी आती है और फूला फूला होता है, नहीं खाया जाता, आप लोग सब खमीरी रोटी है, आपका मन आपका तन दोनों फूल गए हैं,
और फिर भी आप कल्याण चाहती हैं तो मेरी सुनो, मेरे भगवान की सुन जाओ और मन में रख लो। मन में रखने योग केवल भगवान जी है। पहले नहीं हमें पता था, अबोध थे, अब तो हमें कुछ समझा रहा है, बता रहा है, अब तो भगवान का एक एक श्लोक हमें जगाई जा रहा है। शाबाश, कितना मार्के का ये है कि मन में बसाने योग भगवान जी है। ना भूलो मेरे सजनों, ना भूलो मेरे भाइयों, मेरी बताओ मेरी बेटियों, ये चीजें दुख देती है जबरदस्त, ना देती तो ये उपदेश ही ना होता। जो सुख का भी आगाज और अंजाम, जो सुख की शुरुआत है उसका अंत होता है, वो अंत हमसे गवारा नहीं होता। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई वैसे अपने आप को तबाह कर रहा है, कोई टकरे मार मार के मरता जा रहा है, किसी को नाना प्रकार की चिंताओं में नाना गंदी गंदी बीमारियां लग गई है। पर पहले क्यों किया समझ ही नहीं थी हमें, पहले पता ही नहीं था कि इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये पता ही नहीं था कि चार दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते फोंक दे, ये पता ही नहीं था कि मैं जो सुख के दिन मना रहा हूं दुख के दिन आने वाले गए। समझ लो मेरे बच्चों, समझ लो, गीता आपको जगा रही है, गीता इस संसार का असली रूप आपके सामने रख रही है कि समझ जाओ तो फिर जो हमारा मन बटा हुआ था अब कितना हमारा मन एक में हो जाएगा। सारे मन की शक्ति जो यहां तक बटी हुई थी केवल एक भगवान में लग जाएगी। कितनी जल्दी हम भक्ति कमा लेंगे अगर बिखरे हुए मन को केवल एक भगवान में लगा लिया तो। ये मन इसलिए आप तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि मन बिखरा पड़ा है, बिखरा हुआ मन आपने अनेक जगह लगा रखा है। अब क्या होगा भाई, जब ये राज की बात समझ आई तो हमारा बिखरा हुआ मन अपने में आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारा मन बिखरेगा नहीं तो कितनी जल्दी भक्ति ये राज पकड़ लो। शाबाश, फिर आपका मन बिल्कुल एक जगह आता है और बिना मन एक जगह किए कभी भी भक्ति नहीं होती। ये गृहस्थी हार जाती है, ग्रस्त आश्रम रहने वालों को असल बात का पता नहीं होता, निकल जाती है। मैं आपको याद कराऊं, भगवान ने कहा अगर इसी जन्म में कल्याण कर जाना है तो वो देखो दूसरे अध्याय की चेतावनी क्या 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 क्या, सुखे रे जो हार शायद से अपने अपने जो चारों ओर से अपने आप को खींच लेता है, जिसे कछुआ खतरे आने पर अपने अंगों को सुखेड़ लेता है। इस तरह आप जैसे नेक जीव अपना कल्याण चाहने के लिए अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने अंगों को जो जगह जगह फैलाया हुआ था और उम्मीदें रखी हुई थी हटा लेती है और वो सारी शक्ति मन में आ गई। जब जीव अंतर्मुखी हुआ पहले ही कई जन्मों के बाद ये अवस्था बनती है जो आप चाहती है, ये कई जन्मों के बाद खुद भगवान कह रही है, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके अब आपके दिन आ गए। थोड़ी सी हिम्मत मारो, मैं आपके साथ, भगवान आपके साथ और ये स्वर्ण अवसर आपके साथ है। सारे चारों ओर वातावरण आपके अनुकूल बना हुआ है। नेक जीव आप सुन लो हमारे जैसों की, सुन लो अपने हितैषी परम हितैषी भगवान जी की। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। इसलिए हम दुख, हमें इतने दुख है हमें रहने का पता ही लग रहा कि इसके इनके साथ व्यवहार करना, इनका इतबार नहीं करना, इनसे सुख लेने की उम्मीद ही रखनी, बल्कि इनके काम आना है, इनकी कमियां दूर करनी है, बीमारी में इनके काम आना है, इनके लिए धन लगाना है, बस आगे हम शेख चिल्ली की तरह मैल खड़े कर लेती है। इनसे ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, मैं इनके लिए ऐसा करूंगा, ये मेरे लिए ऐसा करेंगे फिर मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। गलत, ऐसा नहीं हो सकता, इनमें परिवर्तन होकर रहेगा, आपसे एक बार नहीं होगा, बस फिर रोया करोगे याद करके कि ये कैसी हो गया वो कैसी हो गया। समझ जाओ कितना अच्छा सिद्धांत बता रही है कि अगर सुख आप ले रहे हैं तो ये सुख खत्म हो जाएगा। के तल्लुक से क्यों, क्योंकि जो सुख का भी आगाज, अगर सुख की शुरुआत है तो अंत, ये मैंने सूर्य का दृष्टांत दिया, अगर सूर्य उदय होते हैं कुछ घंटे बाद भी होते हैं सूर्य अस्त हो रहा है, सनराइजिंग उसी जबान से चार घंटे बाद बोलते हैं, सनसेटिंग जो चीज उदय होती है उसका अस्त होता है। इसलिए हमारा जन्म हुआ है मरण जरूर होगा, अगर हमने सुख को जन्म दिया है तो अंत हो जाएगा, वो गवारा नहीं होता हमारे से। ऐसा क्यों हो गया फिर लब पर गिले शिकवे शिकायत, आपस में द्वेष लड़ाइयां झगड़े, भगवान को छोड़ के जहां से दुख पाते हैं तो फिर दुख शारीरिक मानसिक पारिवारिक, ये नाना प्रकार के दुख आपके सामने। और सचमुच अगर कल्याण कर जाना है तो सुख भगवान से लो, जाप करके, भजन करके, सिमरन करके, प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी दे करके अंतकरण निर्मल हो जाएगा और अंतर्मुखी हो जाएगा।
फिर वो सुख मिलता है, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है बेटा। ये जी फिर बड़ा सुख पाता, ऐसा सुख पाकर जी बहुत ही सुख पाएगा, हमेशा रहने वाला सुख मिलेगा। नहीं नहीं, मैं स्पष्ट बोल दूं, उत्तरो उत्तर ऐसा सुख बढ़ता चला जाता है, संसार का सुख उत्तरो उत्तर घटता चला जाता है, संसार का सुख डिक्रीजिंग और भगवान का सुख इंक्रीजिंग। वाह, भगवान का सुख जो होता है वो अब चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता जाता है। अच्छा, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, इस बात को अपने अंतःकरण में रख लो मेरे देवियो। बड़ा इंकलाबी पाठ और बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक माना जाता है पांच अध्याय का 22वां इंकलाबी श्लोक, क्रांतिकारी श्लोक है। बड़ों बड़ों की इसने काया पलट के रख दी, बड़ों बड़ों के अंदर एक शानदार क्रांति आ गई है, उन्हें अपनी गलती का एहसास किया और एक शानदार तब्दीली अपने अंदर ले आए। आप भी लाओ मेरे बच्चे, उम्र गुजरती जा रही, अवसर गुजरता जा रहा है, लाभ उठाओ, ना घर बदलो, ना दार बदलो, ना गली मोहल्ला, सिर्फ विचार बदल लेने, हमारे दृष्टिकोण में अंतर आ जाएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ऐसे स्थानों में आना हमारा सफल हो जाएगा। प्रातःकाल ये पावन कार्तिक मास हमारे लिए बिल्कुल सफल हो जाएगा, यदि इतनी सी राज की बात जान ले कि सुख का घर भगवान है, सुख का घर जहान नहीं। तो जहान क्या है? जहान कर्म करने का घर है, जहान कर्तव्य कर्म करने हमारे ऋण है, कुछ हम कहीं को देना है, कहीं से लेना है, ये जहान कर्म भूमि है, जहान सुख भूमि नहीं। सुनो मेरी बेटियों, सुनो मेरे सजनो, देखो रब प्यारा गीता का अनुयायी आपसे कह रहे, जहान कर्म भूमि है, सुख भूमि नहीं। हम बिल्कुल उल्टी बुद्धि ले ली, हमने जहान को क्या समझा, सुख भूमि। नहीं, सुख भूमि भगवान जी, सुख भूमि प्रभु जी है। करो अपने कार्तिक मास को सफल, बाकी केवल 10 दिन रह गए कार्तिक मास के, केवल 10 दिन, एक के आगे सिफर है। अभी पक्का कर लो इसको कि जहान कर्म भूमि है, जहान सुख भूमि नहीं, सुख भूमि केवल भगवान जी है, सुख का घर भगवान जी है, सदा रहने वाला सुख केवल भगवान जी दे सकते हैं। ये प्राणी पदार्थ क्या दें? ये तो आए और गए, आए और गए, आए और गए, ये तो चलायमान है, और चलायमान को हम मेहमान कहते हैं। कोई प्राणी पदार्थ टिकने वाला नहीं, मन को समझा लीजिएगा, कहां गए हमारे नाना नानी, कहां गए हमारे दादा दादी, कहां गए जिन्होंने हमें जन्म दिया था माँ बाप, कहां गए हमारे चाचा चाची, कहां गई बड़ी बहन, कहां गए आपका बड़ा भाई, कहां गए आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपके लंगोटिए यार कहां गए? सब चले गए, जहान को छोड़कर अपने दिन पूरे करके आपकी पक्की सहेलियां कहां गई? चली गई। तो ये जाने वाली है, अपने मन को समझा के पूरा भगवान की ओर लगा लो ना। जब भी मन पुराने स्वभाववश बाहर जाने लगे, तुम्हारे चोट ज्ञान की जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, हां दो कदम चले फिर भी चले गए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई पक्का रहा हमारे साथ, हमने दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरों की आयु ही नहीं वफा की, आयु खत्म हो गई, हमें रोता जख मारता और वार तोड़ते हुए रह गया। फिर अब जो बाकी आयु रह गई है, क्यों किसी पे दिल लगाए जब सब चीजें जाने वाली है? क्यों ना ये बाकी आयु चाहे 1 दिन की है, 100 दिन की, भगवान के संग लगा दे। चूंकि जो सुख का भी आगाज अंजाम है, अगर सुख का शुरुआत अंत होगा, आपको रवाएगा पिटागा, तो भगवान कितना प्यार से कह रही है, दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी अपना मन नहीं लगाएगा, बुद्धिमान विचारवान विवेकवान कभी नहीं अपना मन संसारी प्राणी पर लगाएगा, वो अपना ये मन भगवान के संग लगा देगा। बस कितना क्रांतिकारी श्लोक, जो हम बाहर मुखी थे अब पूर्ण पैन अंतर्मुखी हो गए। वाह ओए वाह ओए वाह ओए वाह मेरी सोनी सरकार, ओए शाबाश, दुराचारी सदाचारी बन गए इसी बात से, दुराचारी सदाचारी, हाँ गुनाहगार बन गए प्रस्तार, ओए वाह, वो जो कल के खूनी थे वो मुनि बन गए, आज बच्चा बच्चा भारत का उन्हें वाल्मीकि के नाम से पुकारता, ओए वाह, जिन्होंने कई कैरेक्टर को बर्बाद किया, ऐसी जो है अब वेश्याएं चूंटी की भक्तिमती बन के रह गई और भगवान को मजबूर कर दिया दीदार देने के लिए। वाह, पढ़ो चिंतामणि की जीवनी, वाह क्या से कहां निकल गई, कहां लोगों को गंध उठाने वाली,
और कहां भगवान की क्या दर्शन करने वाली। हमारा इतिहास साक्षी है, कहां विवेकानंद नास्तक और कहां इंटरनेशनल में महात्मा के नाम से पुकारे जा रही है। ओए वाह, क्या से क्या नहीं कर दिया। आप इस बात को जान लो, मेरे जैसे याद करवाने आती है ना, ये भगवान की मेहरबानी है कि भेज देते हैं अपने प्यारे ताकि दूसरों को याद करवा दे। हम तो भूल भलाइयों में थे, अब भी संसार में रहेंगे मन करके नहीं तन करके। और दुनिया कर्म क्षेत्र जे सुख का घर नहीं दे, या तो मैं और आपने अपने कर्तव्य कर्म पूरे कर जाने, सुख भगवान से लेना यही नहीं पता था। हम इसको सुख का घर समझते रहे, करने थे कर्म। मैं फिर कह रहा हूं ये कर्म क्षेत्र है, सुख क्षेत्र नहीं। सुख क्षेत्र भगवान जी, सदा रहने वाला सुख भगवान देते हैं। या हमने कर्तव्य कर्म करे, कुछ मां के प्रति हमारा कर्तव्य, कोई पिताजी कोई बहन भाइयों के प्रति कर्तव्य, कोई पत्नी पति के प्रति कर्तव्य, कोई अपने मित्रों यारों के प्रति कर्तव्य। ये कभी कोई भूत ने मां की ओर से पिताजी की ओर से ये फूकने आ जाते हैं, कभी इनके प्रति हमारा कर्तव्य। वह कर्तव्य पूरा कर देना बस। बाकी सुख का घर, सुनो मैं क्या कहते हैं, कहने जा रहा हूं, सुख का घर, कल्याण का घर है, भक्ति का घर है, मुक्ति का घर कौन? भगवान जी। न भूलना नेक जीवो, बड़ी गर्मा गर्म जोरदार चेतावनी है पांचवें अध्याय के 22वें श्लोक की। बड़े में बार बार कह रहे हो, बड़ा पॉपुलर है ये, बड़ा लोकप्रिय फरमान है मेरे प्रभु का। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, याद रखना उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये चीजें अब सुख दे रही है, पर सोचा करो कल भी देंगी नहीं, चंद दिनों के बाद आपको सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि में, इनके मन में, इनके तन में, इनके धन में, इनके व्यवहार में, इनके बोल चाल में ओए होए परिवर्तन आ जाएगा। ये अटल नियम है, इनकी बुद्धि में, इनके मन में, इनके तन में, इनके बोल चाल में, इनके व्यवहार में, इनके धन में परिवर्तन आ जाएगा। आज के लाखों पति कल के कख पति हो जाते हैं। आज की इतनी अच्छी सेहत वाला कल लाचार है, चलना भी नहीं जाता, और तो और अपनी शरीर की क्रिया शौच पेशाब भी नहीं किया जाता। दो पुत्र पकड़ पकड़ के शौच की तरफ ले जा रहे हैं। देख तो लो, जो लोगों को कल दान दिया करते थे कितनी बुरा हाल है। आज उनके पास पैरी है तो शाम की नहीं, शाम की है तो सवेरे की नहीं। क्यों? कारोबार में घाटा पड़ गया, बड़े बुरे हाल हो गए। सब दिन भला कहां होती है? इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, अब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अब आप सारी शक्ति मन की खींच लेंगे चारों ओर से, अब दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति हो जाएगी आपसे। वो देखो आपके भगवान कह रहे हैं, वो तन मन से करता गए भक्ति और भक्ति से मेरी मुझे ज्ञान कि मैं कौन हूं, क्या हूं। वाह मेरे प्रभु, वाह वाह मेरे शहंशाह, वाह मेरे सरताज और मेरे मन के राजा। कितना स्पष्ट कर रही है सोनी सरकार, हो गया कल्याण जीव का इस तरीके से। पर जिसने कल्याण करना मान, वो बाहर लगा रहा था, कौन करेगा? और बार तब लगता है जब जहान सब्ज बागियां दिखलाए। अब असलियत, क्योंकि असलियत की पहचान कौन करवा रहा है? दुनिया बनाने वाला करवा रहा है, जिसे सृष्टि बनाई है वही अपनी सृष्टि का स्वभाव या स्वरूप या एस्पेक्ट बता रहा है कि ना व्यवहार करना अच्छा जी, ना इतवार नहीं, ये जाने वाली है। कितनी जोरदार चेतावनी प्रभु की आकाशवाणी के रूप में आ रही है। इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करी, इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करी। क्यों? सोनी जिंदड़ी हो सोनिया, ख्वार ना करी। सुन लो मेरे बच्चे, वो इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करी। क्यों? सोनी जिंदड़ी हो सोनिया, ख्वार ना करी। अनेक महापुरुष कह के चले गए जी, हम हमारा धर्म है कि इनके साथ व्यवहार करेंगे, इनसे इतबार नहीं करेंगे। जाने वाली चीजें, ये टिकने वाली नहीं। ये कितनी गर्मागर्म चेतावनी है, जो सुख का भी आगाज और अंजाम है। अगर सुख को आपने शुरू किया तो इसका अंत होने वाला जी है। फिर रोया करोगे, पिट्टा करोगे, गंजे हो जाओगे, सिर के वाल तोड़ दोगे, आई ऐसा क्यों हो गया? होना था, हमने संसार को सही समझा ही नहीं। और मेरे जैसे आपको समझाने आया,
समझ लीजिए, फिर आपको आपको समझाने आए हैं किन को जो कल्याण चाहते हैं, आपको समझाने आए हैं किन को जो अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं। हमेशा टीचर स्टूडेंट्स के लिए आता है, डॉक्टर रोगी के लिए आता है, पर भगवान का प्यारा कल्याणकामी जीव के लिए आता है, जिनके मन में तड़प हो कि मेरा कल्याण करना है। और जिनके मन में तड़प है उनको तो भगवान मेरे जैसे के मुंह में लगाम डालते हैं, खबरदार जी मेरे प्रभु ये राज उससे मत कह, ये राज उससे मत कह जो जाहिद ना हो, जो आबिद ना हो, ना उससे जो बद जबान नुक्ता चीन, ना उससे जो सुनने का ख्वाह नहीं, मन में उसके ख्याल ही नहीं है भगवान का। तो ना वो जाहिल है और अक्ल में कामकार, ना दूसरे में डाले उन्हें होशियार। आपके लिए मुझे कहा जा रहा है ना, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, आपके लिए भगवान देती है, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। ये भगवान की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वार्ता केवल आप जैसों के लिए, जिनके मन में ये ख्वाहिश है मैंने कल्याण करना है, सिर्फ खाने पीने और बारी बातों में नहीं रह जाना, नहीं रह जाना। भाई शाबाश मेरी बताओ बेटियों, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरी लंबी आयु काटने वाले भाइयों, कितना अच्छा तरीका है कि इनके साथ व्यवहार करो, इतबार न करो। हाय हाय, तो फिर आपका बिखरा हुआ मन सारा अंतर्मुखी हो जाएगा, सारा का सारा अंदर में आ जाएगा। और वो जो शक्ति अंदर में आई मैं देखे बैठा हूं, हाँ वो फिर बड़ी जल्दी इंसान को रब के पास ले जाती है। ये राज की बात जिन्होंने इसी जन्म में कल्याण कर जाना है, अपनी बिखरी हुई मन की शक्तियों खींचो, अच्छा हटाओ इनसे लगी अंदर, अब थोड़े दिनों में देख लो मैं आपके पास बैठा हूं मन की दशा क्या हो जाती है। आप भक्ति करते हैं लेकिन मन को खींचते नहीं, ये बात क्या बनी? आप भक्ति करना चाहती है तो वही मूर्खता हुई, शादी करना चाहती है और अनेकों के साथ आपका प्यार है, अरे पगली भाबा ये तो शादी ना कर, करनी है तो मेरे एक के साथ प्यार कर, ये बात तो ठीक है, कौन तुझे बसाएगा? शादी करके तो क्या है, मैंने घंटा रामलाल को देना है, वो मेरी इंतजार कर रहा है, पत्नी क्या बात करना चाहता है, मेरे गोपाल को देना, देर पिटे मुंह तेरा, ये क्या कह रही है? शादी करने के बाद, अरे भगवान का प्यारा बनने के बाद मैंने कामना को एक घंटा देना है, उस द्वेष को देना है, राग को देना है, शेम शेम शेम, इतनी आप तरक्की नहीं कर सकते। बिकॉज यूर माइंड इज डिवाइडेड इंटू सो मेनी पार्ट्स, इंटू सो मेनी नेम्स एंड फॉर्म्स। समझाओ ना अपने आपको, समझाओ ना मेरी बेटी, जैसे शादी के बाद अनेकों को मित्र बनाए रखना, ऐसी मेरी बेटी का तलाक हो जाएगा। हाँ भगवान के भक्त बनने के बाद फिर अपना मन अनेकों में बांटना, इसलिए आप नहीं तरक्की कर सकते। आप कोलू के बैल की तरह एक ही जगह क्या चक्कर में रह जाती हैं, पर आप तो अपना कल्याण चाहती हैं, नहीं पा रहे हो। हाँ ए मनोरी, हाँ रियलाइज कीजिए, मेरे जैसे आती किस रही है आपको एहसास का मादा पैदा कराने के लिए कि चाहते क्या और कर क्या रहे हो, चाहते कल्याण अनेकों के साथ मन लगाना, ये तो बड़ी बारीक भूल। जैसे मैंने अभी कहा वो शादी चाहती है और अनेकों से दोस्ती भी तोड़ना चाहती, करो अंदाजा, नहीं बाबा कभी नहीं बसेगी ऐसी लड़की हुई है, लड़का कभी नहीं बसेगा। तो यही भगवान का, अगर हम इसी जन्म में कल्याण करना चाहते हैं, क्या न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, ये कह रही है आपके कृष्ण। यही मेरी जाप भगवान जी ने दलील देके कहा, ओ पगले जिनसे तो सुख लेना चाहता है दो दिन के बाद ये सुख चला जाएगा, है दो दिन के बाद ये नहीं रहेगा, है ये टेम्परेरी है, आपका मन कभी भी जंप नहीं करेगा वहां, आप अपने आप को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो अनेक फायदा उठा गए इस श्लोक से, आप हमारी बारी आई है हम भी उठा ले। सुनो मेरे देवियों, निकालो कानों में से रुई और डालो भगवान के ये क्रांतिकारी शब्द, तल्लुक से पैदा जो होता गए सुख, वो सुनो मेरी बेटे उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। क्यों? सुख का आगाज अंजाम, आगाज कहते हैं शुरुआत, अंजाम यानी अंत, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। इफ द बिगिनिंग इज देयर एंड मस्ट बी, बिगिनिंग इज देयर तो एंड मस्ट बी। तो भगवान कहते जो तो दाना होगा वो कभी भी अपना मन इनके ऊपर नहीं लगाएगा। अगर कोई इंसान रूप में गधा होगा, खाए तो लतियां मार खाएगा, रोता रहेगा,
फिर दुख कोई एक प्रकार का शारीरिक दुख आती है, मानसिक चिंताएं आती हैं, पारिवारिक में कमियां नजर आती हैं, बच्चे मुंह जोर होती हैं, पत्नी जरा नहीं कहना मानती, तो क्या होगा, गम बेहिसाब उनको दिन कहना, कितना गंदा जीवन, क्या भक्ति होगी। मान लो अपने रब की, अगर सचमुच आप अपना कल्याण चाहते, सचमुच अगर मेरी बेटी यहाँ पर कल्याण के लिए आती, धर्मस्थानों का मतलब यही था, आपको अज्ञानता से जगाना, कामनाओं से हटाना, वासनाओं से हटाना, नहीं नहीं राग और द्वेष से आपका दामन छुड़ाना, ये ऐसे स्थानों का धर्म था जो कलयुग में खत्म हो गया। कलयुग में ये दुकानदारियां बन के रहेगी, देख लो धर्मस्थानों का हाल, गृहस्थी पालने के लिए पंडित जी बैठेंगे, या तो उनको आप प्रबंध कर दें कि लड़कियों की शादी हम करेंगे, लड़के हम पढ़ाते, तब तो कुछ दे, वो तो इस तरीके से सुनाएंगे जैसे उनका गुजारा हो, करें क्या बेचारे, और कोई साधन ही उनके पास, इसलिए वो असल बात नहीं सुनाते, वो ऐसे ढंग से सुनाएंगे कि आटा चढ़े तो फलाना चढ़े, तो कच्चा राशन ये चढ़े तो फंड आए, इस दान देने से ये कल्याण होता, जो उनके घर में कमी है उसी को बार बार कहेंगे, चावल देने से बड़ा कल्याण होता है, फ्रांसी देने से, शक्कर देने से बड़ा, कोई घर में है नहीं शक्कर। हालांकि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे मन में दूरी ना रखने से जीव का कल्याण होता, ना उसको खाले दूरी से कोई, तब तो बात है, वो असल बात बता ही नहीं सकते। आओ आप संभल जाओ, ये धर्मस्थान तो आपका असल काम निभा रहा, असल आपको जगा रहा, उठा रहा, उठा रहा है, तो फिर उठ चलो, मर तो हमने जाना ही है, क्यों दुनिया लेके मरे, हाय मरना है, भगवान लेके मरेंगे। देखो मैं कह रहा हूं, हमने जन्म लिया दुनिया लेके जन्म लिया, पर भगवान तेरी कसम, जन्म लिया दुनिया लेके, मरेंगे तुझे लेके जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे मालिक, याद रखना, अपने मन को तपाक से सुना दो कि दुनिया लेके जन्म लिया गए, पर मरेंगे तो भगवान को लेके जाएंगे, भगवान की भक्ति लेके जाएंगे, ऐसा जैसे हमने गर्मा गर्म अपने मन को सुना रखा, दुनिया के कामना लेके आए थे, पर भगवान का प्यार लेके जाएंगे। इनकलाब आ जाता है मेरे बच्चों, मेरी देवियों, दुनिया की कामना लेके पैदा हुए थे, लेकिन आप भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति लेके जाएंगे, तो भगवान कहते फिर पहुंच कर जहां से ना लौटे कोई, पहुंच कर जहां से वहां से ना लौटे, ये कह रहा है पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक, गर्मा गर्म जोरदार चेतावनी दे रहा है, जरूर प्रभु ताकत देंगे, आप इसको सदा के लिए मन में बिठाकर अपना कल्याण कर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति, ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सब प्राण सफल करना इष्टे।